खींच लो नहीं तो बात करेंगे। मेरे दो बच्चे जेल में भेज रखे हैं भाजपा वालों ने, आरएलटी स्वरूप से, आरएलटी बावन स्वरूप। आपसे बाद में बात करेंगे, उन्होंने भाजपा वालों ने बोला बाद में बात करूंगा। अब वो राजनीतिक फैसले होते हैं, वो तो समय पे लिए जाएंगे, वो उनका क्या रुख है वो उनका फैसला है, लेकिन रिश्ता है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और मुद्दों पे हम लोग साथ आने को राजी हैं। चुनाव से पहले कोई उनका न्योता नहीं था, उस चुनाव के दौरान एक गुगली फेंकी थी अमित शाह जी ने, लेकिन मैं उस पर आउट नहीं हुआ। बिना इन्विटेशन में वैसे भी नहीं जाता, और इन्विटेशन मिल जाता तो पीछा दे जाता। क्योंकि एक समय था कि विपक्ष और पक्ष दोनों में लड़ाई सिद्धांतिक होती थी, व्यक्तिगत नहीं होती, लेकिन इस चुनाव में आपने देखा आतंकवादी हैं, इस तरह के शब्द का प्रयोग किया गया, भाषणों में यूज किया गया, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए, और 80-20 का बुलडोजर चलाने का, धमकियों के एक भाषण शैली का प्रयोग किया गया, तो अब वो लक्ष्मण रेखा सी बन चुकी है। अब सरकार है, बहुमत है, काम भी कराने होंगे, जनता के जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, जो विधायक हैं, वो भी उनके साथ एक सदन में ही बैठेंगे और उम्मीद करेंगे कि कोई पक्षपात ना हो सरकार में। मेरठ के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, गठबंधन के विधायकों के साथ और गठबंधन के विधायकों के साथ खड़ी होने वाली जनता के साथ कोई पक्षपात नहीं होना। लेकिन अभी मैं उचित नहीं मानता कि मैं एक मंच साझा करूं, और इसलिए निमंत्रण मुझे दिया नहीं है और मैं जा नहीं रहा।